गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पर्टिकुलर रूल्स दिए गए, उन रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं वो हमने सीखा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे वो भी हम सीखेंगे, बट उससे पहले आप एक चीज देख लो कि आपने अगर सुना हो कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो करते हैं। अब हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड से क्या मतलब है, जैसे कि देखो हमारे पास पी सबशेल की अगर हम बात करें तो पी में मैक्सिमम तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, ओके। और तीन ऑर्बिटल्स में भी आप देखोगे कि हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, तो तीन ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग पी सबशेल में मैक्सिमम कैपेसिटी सिक्स इलेक्ट्रॉन रखने की है मैक्सिमम, उससे कम वो कितने भी रख सकता है, मैक्सिमम की कैपेसिटी सिक्स इलेक्ट्रॉन की है। ठीक उसी तरह डी की टेन इलेक्ट्रॉन रखने की मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो पी में मैक्सिमम कैपेसिटी सिक्स इलेक्ट्रॉन की है, तो पी का अगर सबशेल छह इलेक्ट्रॉन्स के साथ है तो वो फुल फिल्ड सबशेल कहलाएगा, और अगर उसमें तीन इलेक्ट्रॉन्स है तो वो हाफ फिल्ड कहलाएगा। थ्री और सिक्स की बात हो रही है, तो फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड स्टेट जो होती है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड स्टेट आते ही वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो करेगा, ओके। उसकी रिएक्शन जो है वो थोड़ी टिपिकल तरीके से होंगी, तो वो उस स्टेबिलिटी के पीछे रीजन क्या है वो देख लो। सिंपल से रीजन है, दो रीजन है देखो। पहला तो है सिमेट्री। अगर आप देखो बात करो सिमेट्री की, तो जो चीज ज्यादा सिमेट्रिकल लगती है हम उसे ही ज्यादा अच्छा मानते हैं। तो अगर आप P3 और P6 लिखोगे तो आपको ज्यादा स्टेबिलिटी, ज्यादा सिमेट्री देखने को मिलेगी, इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। जबकि आपने P में आपने तीन तो ब्लॉक बनाए, उसमें तीन ऑर्बिटल बनाए बट उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन फिल किए तो अनसिमेट्रिकल लग रहा है, ओके। या फिर चार फिल कर दिए तो अनसिमेट्रिकल लग रहा है, तो उस तरीके से वो अनसिमेट्रिकल है, दैट्स व्हाई उनकी स्टेबिलिटी कम है। और हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड के स्टेज में सिमेट्री ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी भी हायर होती है। वही चीज यहाँ पर है, द एक्सेप्ट फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ एनी सबशेल हैव मोर सिमेट्री देन एनी अदर कॉन्फिगरेशन, दैट्स व्हाई दीज ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन एनी अदर कॉन्फिगरेशन। पी के केस में P3 और P6 ज्यादा स्टेबल होगी, डी के केस में देखो तो D5 और D10 ज्यादा स्टेबल होगी, और अगर एफ के केस में देखो तो 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैरी करता है तो 14 तो फुल फिल्ड हो गया और हाफ फिल्ड इसका 7 इलेक्ट्रॉन्स का होगा, तो इस स्टेज में एफ ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ P6 इलेक्ट्रॉन्स की दी है तो P3 और P6 मोर स्टेबल होंगे। दूसरा रीजन देख लो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक्सचेंज। जैसे कि आप जानते हो इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, इतनी एनर्जी होती है तो वो उस एनर्जी को अगर वो एक्सचेंज करते हैं किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ तो अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं वो कम करते हैं और स्टेबिलिटी उनको मिलती है। तो वही चीज हम यहाँ देखेंगे, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल, एक ही सबशेल के डिफरेंट ऑर्बिटल की बात हो रही है, कैन एक्सचेंज देयर पोजिशन। वो अपने ही सबशेल में, जैसे मान लो पी सबशेल में है, यहाँ हम देख सकते हैं पी सबशेल की अगर बात करें तो तीन ऑर्बिटल है उसमें, इनमें अगर ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन है वो आपस में ही उनकी एनर्जी, आपस में एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि एनर्जी इनकी सेम है, शेप भी सेम है, तो एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से वहां जंप करेंगे, वहां से यहाँ जंप करेंगे तो एनर्जी इनकी कम होगी, ठीक है, एंड डिक्रीज द एनर्जी, इस वजह से इनकी एनर्जी कम होती है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी एक्सचेंज। इसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी एक्सचेंज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल इज मैक्सिमम, हेंस दिस ऑर्बिटल शो मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और ये जो एनर्जी का एक्सचेंज है ये किसमें ज्यादा होता है, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड के केस में ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा डिक्रीज होती है और वो मैक्सिमम स्टेबल होते हैं। यहाँ देखो हमने D10 की बात की है, ये D ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं आपको D सबशेल में, ये मान लो फुल फिल्ड, सॉरी हाफ फिल्ड स्टेज की दिखाई है, 5 इलेक्ट्रॉन फिल्ड है इसमें, ओके। आप देखो ये फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सचेंज कर सकता है अपनी पोजिशन को, सेकेंड के साथ भी, थर्ड के साथ भी, फोर्थ के साथ भी और फिफ्थ के साथ भी कर सकता है ना। जितनी ज्यादा पोजिशन चेंज होगी उतनी ही एनर्जी एक्सचेंज होगी और उतनी ही स्टेबिलिटी इन्हें मिलेगी। फिर सेकेंड की बात करो तो ये भी इनके साथ कर सकता है एक्सचेंज, दैट्स वाई ये ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेंगे। जबकि आपने इस डी सबशेल के D2 ऑर्बिटल देखा है, यहाँ पर सिर्फ टू इलेक्ट्रॉन्स फिल है यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सिर्फ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं ना, और सारे ऑर्बिटल्स तो फ्री हैं, इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं उसमें, तो कहाँ जाएंगे, ये आपस में एक दूसरे के साथ ही एक्सचेंज करेंगे, तो इनकी स्टेबिलिटी कंपेरेटिवली D5 कम हो जाएगी, ठीक है। तो यही रीजन है, सिर्फ आपको समझाना था कि क्यों हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो है वो
मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो करते हैं। अब एक एग्जांपल लेंगे हम कॉपर का, ठीक है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वहां पर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की स्टेट आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसको नोट डाउन कर लो आप। तो स्टूडेंट्स कॉपर का एग्जांपल लेते हैं, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि किस तरह से हाफ फिल या फुल फिल ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्टेबिलिटी को शो करते हैं। तो यहाँ देखो कॉपर के केस में कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है एटॉमिक नंबर आप उसे कहते हो 29 होता है, यानी कॉपर के पास 29 इलेक्ट्रॉन्स है, वो 29 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू आफबो रूल। आफबो ने क्या बताया कि आप ऑर्बिटल्स को उनके इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में जमाओगे। तो देखो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी किसकी है, 1s की है, पहला शेल है न्यूक्लियस के नजदीक है और उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सब शेल है, ओके। उसके बाद सेकंड शेल में आएंगे 2s और 2p दोनों हैं, फिर 3s 3p, फिर आफबो के रूल के अकॉर्डिंग 3d ना आकर 4s आएगा, ठीक है। इसे n प्लस l रूल से भी हमने देखा था 4s, फिर उसके बाद 3d आता है, ठीक है। इतना हमने बना लिया है, अगर हमें जरूरत होगी इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग तो और ऑर्बिटल हम ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी। अभी 29 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करते हैं। सबसे पहले 1s की बात करो, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s है, इसकी भी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। 2p है मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है, 3s मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, फिर 3p आता है मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है, ओके। इलेक्ट्रॉन काउंट करो 29 हो गए क्या, 2 to 4, 6, 10, 2 12 and 6, 18 इलेक्ट्रॉन्स में, ये s में 2 डाल दिए आपने 4s में, 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं ना आपके, वो 9 आप 3d9 यहाँ पर कर दोगे इस तरह से। ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि हम कहते हैं आफबो के अकॉर्डिंग होगा, बट ये गलत है कॉन्फ़िगरेशन। इसका जो सही कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। उसके पीछे रीजन क्या था, ये जो है इसका सही कॉन्फ़िगरेशन है, इसको गलत कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3d9 था, जबकि हम जानते हैं कि जो फुल कैपेसिटी है डी की वो कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन की। तो 3d10 में ये स्टेबिलिटी शो करेगा, स्टेबल होने के लिए ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा क्योंकि फोर्थ और थर्ड शेल, ठीक है, एनर्जी गैप है इनके बीच में बट कम एनर्जी गैप है, दे गिव मोर देयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सबशेल टू अनदर सबशेल। तो ये प्रमोट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 4s1 हो जाएगा और 3d फुलफिल्ड हो गया। इस स्टेज में जो कॉपर है वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो करेगा, दैट्स व्हाई कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सही माना जाता है। पीछे रीजन समझ में आया आपको, क्या रीजन है, फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड की मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये तो था फुल फिल्ड का एग्जांपल, हाफ फिल्ड का एग्जांपल भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है, और अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब एक चीज ध्यान में रखना कि आपने किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में है उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दिया जाता है। जैसे कॉपर का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ही आया ना, Cd29 जो भी था लास्ट डी में आया, तो हम कह सकते हैं कि कॉपर डी ब्लॉक का एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में ये डी ब्लॉक रिप्रेजेंट होगा, ओके। अब आगे चलते हैं, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लेते हैं, कैसे लिखते हैं। कॉपर से हमारा बहुत कुछ क्लियर हुआ, यहाँ भी देखेंगे हम। सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। उसके बाद नियोन से आगे सोडियम 11 है, मैग्नीशियम के पास 12, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 20 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा, सबसे पहले वाला जो शेल है फर्स्ट शेल उसके एस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ओके। एक ही इलेक्ट्रॉन था, इससे ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं थी 1s पर, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। हीलियम की तरफ चलो, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप भर सकते हो 1s2, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन रखने की है, 1s2 आपने कर दिया, ओके। हम एक चीज ध्यान में रखो कि जब भी आप जानते हो ना कि ये इनर्ट गैसेस हैं या आप नोबल गैसेस बोलते हो, इन्हें हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, ऑर्गन हुआ, ये नोबल गैसेस हैं। तो जब भी कोई नोबल गैस या इनर्ट गैस आ जाती है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो
आगे आने वाले उससे आगे आने वाले एलिमेंट्स के लिए एक आइडियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर आगे प्रोसीड कर सकते हो। देखो कैसे, जैसे हीलियम की बात की हमने, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1:2 हो गया। अब इससे आगे आने वाले जब तक कोई दूसरी और नोबल गैस नहीं आ जाती तब तक आप इस तरह से नेक्स्ट जो आने वाले हैं उनके लिए 1:2 हीलियम लिख दोगे। हीलियम लिखा हुआ होगा इसका मतलब है कि 1:2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है। समझ में आया ये, जैसे 1:2 है लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कैसे लिखोगे, 1:2 2s1 ऐसे लिखोगे 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, बट 1:2 लिखने की जगह आप क्या लिख देते हो, हीलियम को। इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में हीलियम को लिख दिया, इट मींस कि यहाँ पर हीलियम का मतलब क्या है, 1:2। आप ओपन करके भी लिख सकते हो, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे तो ज्यादा सूटेबल होगा। ओके, 2s1। उसके बाद बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन से शो हो गए और दूसरा 2s2, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन 2s2 के फॉर्म में आ गए। अब s भी फुल हो गया, ठीक है। और सेकंड शेल है, सेकंड शेल में 2 सब शेल होते हैं s और p, s फुल हो गया तो अब सेकंड का p सब शेल स्टार्ट होगा। नीचे चलो, 5 इलेक्ट्रॉन वाला बोरोन आ गया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम से कवर हुए, 2s2। अब आगे सेकंड जो इसको आपको 5th इलेक्ट्रॉन भरना है p में जाएगा, 2p1। ओके, फिर आगे चलो कार्बन, हीलियम से लिखोगे 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p2। पी में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो मैक्सिमम, तो भरते चलो 2p3, 2p4, 2p5। आप आ गए कहां तक, फ्लोरीन तक। ओके, अब उसके बाद फ्लोरीन के बाद 10th नंबर पर नियोन आ रही है, यानी नेक्स्ट नोबल गैस आ रही है। अब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भूलकर हम आगे आने वाले एलिमेंट्स के लिए नियोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही अपना आइडियल मानेंगे, ठीक है। पहले नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखोगे, नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी हीलियम चलेगा, इसके बाद नियोन स्टार्ट होगा। हीलियम यानी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर 2s2, 2p6 हो गया, ठीक है। 2, 4 और 6 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब आगे आने वाले जो सोडियम है, अब वो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जो भी है, इससे आगे आने वाला 10th इलेक्ट्रॉनिक नंबर के बाद, अब उनके लिए नियोन आगे प्रोसीड करेगा। अब यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट में नियोन लिखोगे, नियोन का मतलब क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 करने हैं आपको, 2p6 हो गया था, सेकंड शेल आपका कंप्लीट हो गया, सेकंड में 2 ही सब शेल थे एस और पी, पूरी तरह से भर लिया आपने। अब थर्ड सब शेल, थर्ड शेल स्टार्ट करोगे, थर्ड शेल का पहला सब शेल एस, ओके, पहला सब शेल है 11, इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, s1 में, ओके। उसके बाद मैग्नीशियम पर आ जाओ, 3s2, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, एस कंप्लीट हो गया आपका। अब थर्ड शेल का पी सब शेल स्टार्ट होगा, 3p1, समझ में आ रही है ना चीज, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 दोबारा और 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिलिकॉन के लिए 3p2, फॉस्फोरस के लिए 3p3, सल्फर के लिए 3p4, क्लोरीन के लिए 3p5। अब क्लोरीन के बाद 18th नंबर पर ऑर्गन आ रहा है, ये भी हमारा थर्ड नोबल गैस है, ऑर्गन के लिए लिखा आपने 3p6। अब जो ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑर्गन से आने वाले, यानी 19th इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आगे आने वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके लिए अब ये हमारा आइडियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। यहाँ ऑर्गन लिखा हुआ देख लिया, इट मींस कि आप 18 इलेक्ट्रॉन भर चुके हो, ठीक है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, 2 फिल कर चुके थे, नियॉन के केस में 10 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही थी और ऑर्गन के केस में 18 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही, यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल है। अब 19th इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा वो हम अपने हिसाब से यहाँ लिखेंगे, समझ में आई ये चीज। तो इस तरह से हम फिल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 20 एलिमेंट्स के लिए था, पोटेशियम और कैल्शियम का आप लिख कर देखना कैसे लिखोगे, फिर हम उसे भी डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जाते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, और या फिर आप अपना इस तरह से ओपन फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके, क्लियर होती है चीज। तो अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। देखो आपका जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर लगभग फिनिश हो चुका है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जो आपके PA2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे या उस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उन्हें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। यहाँ तक आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है, इसमें आपने शेल्स का जो सब शेल या शेल होते हैं उनकी शेप हम देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं वो हम देख चुके हैं। इन्हें आप अच्छे से क्लियर करो, फिर हम NCERT के एग्जाम्पल्स लेंगे, तब तक आप इन्हें चेक करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।